हमें ई घर को दो हिस्से में बांट देना चाहिए। एक घर में ई ललिता रहेगी और दूसरे हिस्से में ई रज्जू। गुडुआ के घर में दोनों बीवियों को बराबर हक मिले। चालू जी, आपने वो मजदूरों की पेमेंट कर दी थी? चालू जी। हाँ सर, सॉरी, कहिए। आप फिर परेशान? नहीं, परेशान नहीं है, हम क्यों परेशान होंगे? आप दुखी हैं और हमसे शेयर भी नहीं करना चाहते। लगता है हमारा दिया हुआ उपदेश आप भूल गई। क्या कहा था हमने? कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और दुख बांटने से कम हो जाते हैं। चलिए बताइए, क्या दुख है? ओह, वेट, लेट मी गेस, रंजू आंटी के सिलाई सेंटर की बिजली वापस आ गई? हाँ, सिलाई सेंटर में तो रोशनी आ गई, लेकिन हमारी माँ की जिंदगी में छाया हुआ अंधेरा छटने का नाम ही नहीं ले रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। शालू जी, क्या हुआ है बताएंगे? कुंतू मिश्रा जी हमारी माँ को डिवोर्स देना चाहते हैं और इस वजह से हमारे घर का माहौल बहुत खराब है आज। शालू जी, इस बात पे हम क्या कहें हमें मैं नहीं पता, क्योंकि आपकी और हमारी पहले बात हो चुकी है कि पिछली बातों पे हम बात नहीं करेंगे। लेकिन एक सवाल है हमारे मन में और अक्सर आता रहता है, आप लोग ललिता निवास में गए ही क्यों? हमारे कहने का मतलब है आप अपना पुराना घर छोड़ के कहीं और भी तो जा सकते थे। शायद जा सकते थे, लेकिन उस वक्त हमारे साथ जो कुछ भी हुआ ना, हमें लगा कि उन सब के पीछे ललिता जी और लकी विकी का हाथ है। और फिर बाद में सारे इल्जाम आप पर। हम पर? हम पर क्या? चालू जी, हम आपसे पहले कह चुके हैं कि उस दिन जो इल्जाम बुलबुलिया ने हम पे लगाए थे उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, और ये आपका मन भी जानता है। पता नहीं, सच कहें तो हमारे पास खुद इस बात का कोई सबूत नहीं है कि हमारे साथ हुई साजिश के पीछे किसका हाथ था। ये क्या कर रहे हैं आप? आपको डॉक्टर ने मना किया था ना ड्रिंक नहीं करना, फिर क्यों पी रहे? ललिता जी, ये तो आपका वाइन है ना? नहीं, कोई भी नहीं पिएगा। हम जानते हैं सोनम बाबू, आप बहुत परेशान हो, लेकिन ये परेशानी से आपकी सेहत खराब हो सकती है, इसलिए हमने आपकी परेशानी दूर करने के लिए एक फैसला लिया है। फैसला? कैसा फैसला? आज हमने अपने लॉयर को बुलाया था। लॉयर? अपना फ्यूचर सिक्योर करने के। ललिता जी, हमारे फ्यूचर को कौन सा खतरा आ गया? सोनम मामू, आपने 14 साल मेहनत करके ये एम्पायर खड़ा किया है, और उस रंजू ने 14 दिन में इस घर में लकीर खींचकर इस घर का बंटवारा कर दिया। और अम्मा जी का इस्तेमाल करके उसने डिवोर्स पेपर भी हवा में उड़ा दिए। इसका मतलब आज भी वो आपकी कानूनी पत्नी है। घर के बंटवारे तक की बात ठीक थी,
लेकिन आगे चल के उसने प्रॉपर्टी और बिजनेस में अपना हिस्सा मांग लिया तो इसलिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन? सॉल्यूशन को जानने से पहले आप ये बताइए, आपको आपकी ललिता पर कितना भरोसा है? अपनी जान से भी ज्यादा। तो बस आप वो कीजिए जो हम कह रहे हैं। क्या करना होगा? आपके सिग्नेचर्स चाहिए इन पेपर्स पर। लेकिन कैसे पेपर्स हैं? शोना बाबू, ये लीगल पेपर्स हैं। इसमें लिखा है कि आप सारी प्रॉपर्टी और अपना सारा बिजनेस हमारे नाम पर ट्रांसफर कर रहे हैं।